देना जो होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रायपुर दक्षिण उपचुनाव की, इसलिए क्योंकि बीजेपी का अंबेडगढ़ पिछले 8 बार 4 चुनाव रायपुर दक्षिण, उससे पहले 4 चुनाव रायपुर शहर के तौर पर जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में तो नहीं है, लेकिन उनकी पहली और आखिरी पसंद माने जाने वाले सुनील सोनी पे जरूर भाजपा ने दाव लगाया है। तो वहीं कांग्रेस में इस वक्त तक इंतजार किया जा रहा है कि दक्षिण के दंगल में चेहरा कौन होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की एकमात्र रायपुर दक्षिण में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बात प्रत्याशी चयन की करें तो भाजपा ने यहां बाजी मार ली है। भाजपा की ओर से पूर्व सांसद सुनील सोनी पर दांव लगाया गया है। ओबीसी चेहरे के साथ ही सुनील सोनी को बृजमोहन अग्रवाल का पहले और अंतिम पसंद का नेता माना जाता है। सुनील सोनी के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में आने वाले भाजपा के चारों मंडल की जिम्मेदारी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। साथ ही प्रभारी और सरकार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक लेकर सभी जिम्मेदारियों का बंटवारा भी कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा देर शाम स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री, विधायक सहित संगठन के नेता शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस की तो ये पुरानी परंपरा है कि इनके इतने दावेदार होते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार होते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है विधायक बने, परंतु घोषित होने के बाद आपने देखा होगा कोई स्वर, किसी ने कोई बात न मीडिया में आई न सामान्य तौर पर आई, सभी लोग काम पे लग गए हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है, वो लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि अभी तक इनकी टिकट अभी फाइनल नहीं हुई। बीजेपी ने भले ही प्रत्याशी चयन में बाजी मार ली हो, मगर कांग्रेस भी गंभीर चिंतन मनन के साथ चेहरे पर दांव लगाने जा रही है। बीते 8 चुनावों में इस सीट पर लगातार हार झेलने वाली कांग्रेस इस बार हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने जा रही है। बीते चुनावी हार से सीख लेते हुए कांग्रेस इस बार चेहरे पर दांव लगाने में कहीं से भी चूकना नहीं चाहती, और यही वजह है कि कांग्रेस दावा कर रही है कि देर से ही सही मगर दमदार नाम का ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल यही कि कांग्रेस अब भी दक्षिण के दांव में चेहरे पर मंथन ही कर रही है। संभवतः आज कल थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाए। साल 1990 का हो या फिर 2023 का, बृजमोहन अग्रवाल पहले रायपुर शहर और परिसीमन के बाद 2008 से रायपुर दक्षिण सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे हैं, मगर इस बार तमाम समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। अव्वल ये कि प्रत्याशी के रूप में बृजमोहन अग्रवाल नहीं होंगे, ये चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने इस चुनाव को लड़ रही है। बहरहाल तमाम बदले हुए स्थिति परिस्थिति के बीच जनता जनार्दन किसका साथ देगी, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल तो यही कि रायपुर दक्षिण के दंगल पर चेहरों की जोर आजमाइश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से चेहरों पे जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी ने दांव लगा दिया, सुनील सोनी पे दांव लगाया, कांग्रेस भारी मंथन और चिंतन के बीच से गुजर रही है। 2-3 नामों पे लगातार चर्चाएं चल रही है। आखिरकार किसका भाग्योदय होगा प्रत्याशी के रूप में, इसके लिए कुछ इंतजार और करना पड़ेगा। आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े, मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अशोक बजाज जी है, वरिष्ठ नेता है। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी और कैची वाली नजर रखने वाले उचित शर्मा भी हमारे साथ। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उचित जी, आज पहला सवाल आपसे है, दक्षिण का दंगल चेहरों पे जोर, क्या लगता है कि चेहरे के जोर में प्रत्याशी तो तय हो गया बीजेपी का, पार्टियां कितना जोर आजमाइश करेगी, कितनी गंभीरता से चेहरे के चयन को लिया जा रहा है? देखिए, अब चेहरे का चयन तो ये जो बात है, डिस्कशन है, संवाद काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि सभी जान रहे हैं कि ये तय किसको करनी है। संगठन को तो केवल मोहन लगानी है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की, वो बहुत ही नियर एंड डियर है, दुनिया जानती है, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण में होगा वही जो मोहन चाहेंगे, और वैसा हुआ भी। तो जो पूर्व सांसद थे या वो वर्तमान में विधायक के कैंडिडेट है दक्षिण से उपचुनाव में, तो ये इसके पीछे काफी मंथन जो हुआ ठीक है, लेकिन एक देखिए, अगर सुनील सोनी कैंडिडेट है, ये है तो ये मान लीजिए चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, वो जिताऊ कैंडिडेट चाह रही है।
अगर कोई नया किसी आदमी को देते या किसी नए यूथ को देते या चेहरा बदलते तो समझ लीजिए फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो है सुनील सोनी के नाम से, मैं समझता हूँ कि बैक फुट पर खेल रही है, वो रिस्क लेने के किसी भी हालात में नहीं है। जिस तरीके से उनकी सत्ता है 9 माह 10 माह में सत्ता चली है, और ये सत्ता का एक लिटमस टेस्ट भी है आप इसको मान सकते हैं, तो वो नहीं चाहिए किसी भी टाइप से रिस्क लेना। तो ये एक मुफीद कैंडिडेट है, बृजमोहन अग्रवाल जी का हाथ है, संगठन के लोग जानते हैं, सांसद रहे हैं, आरडी अध्यक्ष रहे हैं, मेयर रहे हैं, तो एक जाना पहचाना चेहरा है। सक्रियता और निष्क्रियता अलग एक मैटर है, उस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है क्योंकि उनपे दाग सांसद जो अपने फंड के पैसे भी सांसद निधि का भी इस्तेमाल सही रूप में नहीं कर सके, ये तमगा उनके ऊपर लगा हुआ है, आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन चूंकि बृजमोहन जी के संग है तो डेफिनेटली एडजस्ट और डाइजेस्ट सबको दक्षिण को करना पड़ेगा, ये हकीकत सिनेरियो अभी बन रहा है। चले मतलब दाग भी कुछ राजनीति में अच्छे होते हैं माना जाएगा। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक जी, क्या आपको लगता है उचित जी ने बेहद गंभीर बात कही कि साहब बीजेपी बैकफुट पे है इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती है, सेफ चेहरे पे दांव लगा दीजिए, बृजमोहन अग्रवाल जी के पसंद पे मुहर लगा दीजिए, चुनाव जीत जाइए, इस फॉर्मूले के साथ बीजेपी चल रही है, जरा विश्लेषण कर दीजिए एक बार, क्या वास्तविक में स्थिति धरातल पे है? देखिए उदय जी, भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ है रायपुर दक्षिण, यहां से कभी कोई कांग्रेस का उम्मीदवार जीता नहीं, और जो लड़ा है वो नेपथ्य में चला गया, सबसे बड़ी बात यह है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें मैं खुद लोकसभा चुनाव का संचालक था, इसमें कांग्रेस मात्र 23% सीट वोट पर सिमट गई, और वो जो जाना पहचाना नाम था को कांग्रेस के पश्चिम से पूर्व विधायक थे विकास उपाध्याय जी, वो चुनाव लड़ रहे थे, यानी रायपुर दक्षिण यानी भाजपा, और भाजपा का गढ़ है, और एक एक व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, एक एक मतदाता समर्पित है, और बृजमोहन अग्रवाल जी का एक काम जो है और एक घर घर तक उनका संपर्क है, और उन्होंने जो पहचान बनाई है इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए, 2-3 सवाल निकल के आए, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, कोट कर रहा अशोक जी की बातों को। दूसरा, ये सत्ता में रहते हुए 2023 चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कांग्रेस यहाँ से रिकॉर्ड बना दी हारने का, लगभग 78,000 वोटों से लगभग कांग्रेस यहाँ पे हारी थी, कैसे जीत का दावा करें नितिन जी? क्या होता है उदेश भाई, एक होता है विश्वास, एक होता है आत्मविश्वास, और एक होता है अति आत्मविश्वास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है कि ये किला है, इस किले से कभी कोई जीत नहीं पाया, ये भाजपा का गढ़ है। अरे भाई, वो जो 4-5 लोग और हैं जो कल तक के मंदिरों में भी मिले थे मेरे को, कौन मिला था मंदिर में नाम नहीं लूंगा, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, संजय श्रीवास्तव, सुभाष मिश्रा, सुभाष शर्मा, ये सारे लोग तो चुनाव की टिकट में लगे थे, पहले उनको संभाल लो। ये रहा आपके लिए आसान नहीं है, अभी तक मैं ये मानता हूं कि अभी तक ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल के व्यवहार से जीतते थे, बृजमोहन अग्रवाल जीतते थे, बीजेपी नहीं जीतती थी, ठीक है। पर अब की बार ये चुनाव व्यवहार पे नहीं, अब की बार ये चुनाव मुद्दों पर और विकास पर होगा, क्योंकि 9 माह से ये सरकार जिस तरीके से यहां पर छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, हम कहें बेरोजगारी, महंगाई, अपराध गढ़ बन चुका है राजधानी, तो ये मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव के। ये स्थिति है कि मुझे जानकारी मिली है कि रायपुर दक्षिण में मतदाताओं की जो संख्या है उसमें महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों से, तो इस बार निर्णायक जो होगा चुनाव जो होगा उसमें निर्णायक मत महिलाओं का होगा, क्योंकि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे बोले थे वो भी नहीं दिए हैं, इधर से 1000 रुपया देते हैं और वहां से 5000 रुपया निकाल लेते हैं, यही काम चल रहा है। तो हमारी बहनें भी बहुत नाराज है, घर का बजट बिगड़ चुका है। मैं तो साथी प्रवक्ता है अशोक भैया से पूछता हूं, भाभी जी से पूछेंगे पहले घर कितने में चलता था, घर का बजट क्या था और आज क्या है, तो यही मुद्दे होंगे और मुद्दों पर विकास पे चुनाव होगा। बाकी ये कह देना कि अभेद गढ़ है, इसको कोई नहीं भेज सकता, तो ये तैयार रहिए, इस बार निकलेगा तीर हमारा जो है धनुष से, और इस बार आपके इस अभेद किले को भेजेगा, ये तय है, अति आत्मविश्वास में मत रहिए। उचित जी, जरा इस बात पे भी एक बार टिप्पणी कर दीजिए,
कांग्रेस कहां उलझ गई चेहरे को लेके, बीजेपी ने शनिवार को ऐलान कर दिया, कांग्रेस सोमवार की रात तक नहीं कर पाई है ऐलान अभी तक, कहां उलझ गई कांग्रेस? कांग्रेस में अभी वाकई ये बात हो सकता है किसकी तरफ से कैंडिडेट आ रहा है, सब सर्वमान्य तरीके से अगर कैंडिडेट आता है तो अभी तक आज चक होता है। अभी आप वहां पे देखिए कि वहां अध्यक्ष जी की अलग हिसाब किताब है, फिर नेता प्रतिपक्ष, फिर केंद्र, फिर टीएस बाबा, बहुत सारे धड़े हैं, तो सबकी एक साथ एक राय आना बहुत मुश्किल है और कांग्रेस में एक राय बन पाना भी बड़ी मुश्किल है। हालांकि दो तीन नामों पर बंधन हुआ, ब्राह्मण समाज ने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की, वो पूरे एकजुट दिखते हुए नजर आए और उन्होंने मांग की कि कोई ब्राह्मण को ही टिकट दी जानी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आप पूरे आपके पास भी सब रिकॉर्ड है, चाहे वो आप विनोद तिवारी या योगेश तिवारी को आप देख लीजिए, चाहे वहां पे सभी तमाम लोग जो लड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं और खासकर अभी लोकसभा में मेरे ख्याल से अशोक बजाज जी 80,000 से वहां पे हारे हैं कांग्रेस, 83,000 लगभग 90,000 से दक्षिण विधानसभा से लोकसभा की सीट में भी हारे हैं, इसके पहले भी जो थे वो कैंडिडेट भी हारे, तो ऐसा कोई जातिगत समीकरण मुझे कभी वहां नजर नहीं आता। ओबीसी भी खड़े हो चुके, ब्राह्मण भी खड़े हो चुके हैं, तो ऐसा कि भाई मुस्लिम है वहां पे, ये सब चीजें अलग। देखिए ब्रिजमोहन जी की बात अलग थी, 90 सीट में से एक सीट अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की श्योर शॉट थी तो रायपुर दक्षिण की थी। मैं कहूं कि उसके उनके व्यक्तिगत कारण थे, वो एक राजनीतिक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति है, उनको सभी लोग अपने जो है उनके मधुर संबंध है, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे थर्ड फ्रंट के हों, चाहे वो अन्य किसी दल के लिए काम कर रहे हों, तो उनके लिए काम किए सभी करते हैं और अभी भी करेंगे। तो क्योंकि अब वो चुनाव प्रभारी, नो डाउट चुनाव प्रभारी कोई भी हो, हकीकत में मैनेजमेंट तो मोहन जी का चल रहा है, ये बात भी तय है, वो जानते हैं कि दक्षिण में कैसे चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है डॉक्टर साहब, ब्रिजमोहन जी थे तब बात अलग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो चुनाव जीत के आ रहे हैं, कोई ये 35 साल बाद कांग्रेस को ये जगह मिली है ब्रिजमोहन से इतर, तो नो डाउट कि वो पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी जगह लगाएंगे और जो कैंडिडेट भी दिए हैं वो ब्रिजमोहन की च्वाइस तो हो सकते हैं, जनता की च्वाइस मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, सीधे जवाब दे दीजिए, ब्रिजमोहन जी नहीं है इस चुनाव में, 1990 से लेकर 2024 आठ चुनाव ब्रिजमोहन जी का नाम होगा, प्रत्याशी के तौर पे नहीं, सहयोगी के तौर पे कांग्रेस को बड़ा मौका मिला है, कांग्रेस भी कह रही है और तमाम विश्लेषण भी बता रहा है। क्या लगता है कि इस बार अभेद किला ढह जाएगा आप लोग का? मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव संगठन लड़ता है, ब्रिजमोहन जी भी लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी लड़ रही है इस चुनाव को, कैंडिडेट तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं, हम अपने कर्मों के बल पर लड़ेंगे। हमने जो पिछले 9 महीने में काम किया है, किसानों को बोनस दिया, उनका 21 क्विंटल धान खरीदना है, इस साल भी खरीदेंगे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको पेमेंट किया, एक किस्त में पेमेंट किया, महतारी वंदन प्रति माह हमारे वादे के अनुसार महिलाओं को मिल रहा है, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। और अभी भंसाली जी बोल रहे थे कि अपराध का गढ़ बन रहा है, अरे भैया आपके शासन काल में 5 साल में ये रायपुर जो है चाकूपुर कहलाने लगा था, ये लॉरेंस आप भूल रहे हो, घुसा है आप भूल जाए, आप थोड़ा इस पर अशोक भैया मेरे को बताइए, नितिन जी अमन साहब क्या घुसा है, स्थिति क्या है, आप खुद देख रहे हैं, तेज करिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल चाकू। ठीक है नितिन जी, एक बार अशोक जी को कंप्लीट करने दीजिए, अशोक जी बेहद सीनियर लीडर है, अशोक जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस के राज में ये राजधानी को चाकूपुर बनाया, आप याद करिए कि विधानसभा चुनाव के दरमियान जब दक्षिण के प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थे तो उन पर किस प्रकार से हमला किया गया, कहां हमला हुआ, ये स्थिति में ला के आपने दम नहीं है भाई किसी, और वहां से हमने काम हमला कर, वहां से हमने आप भी जानते हो अशोक भैया, उचित भैया भी जानते हैं, अवधेश भाई आप भी जानते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल पे ठीक है प्रदेश में कोई हमला कर दे, ठीक है नितिन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, हमला तो अभी हो रहा है, ठीक है अशोक जी आप कंप्लीट कर, ठीक है नितिन जी एक अशोक जी को एक बार कंप्लीट कर जी, जो अपराधगढ़ जो आपने बना के छोड़ा है, जो विरासत में हमें मिला है, उसको फिर से शांति का टापू बनाने के लिए विरासत आगे बढ़ा रहे हैं, मशक्कत करना पड़ रहा है। आपने जो जिस अवस्था में छत्तीसगढ़ को छोड़ा है, उस अवस्था में हम नहीं रह सकते, इसको हम शांति और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं,
और इसके लिए हमको सारी मशक्कत करनी पड़ रही है, पूरी सरकार को और पूरी पार्टी मशक्कत कर रही है। और आप एक बार फिर से आप देखेंगे कि रायपुर को, न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बनाने में हम और रायपुर दक्षिण की भी अहम भूमिका रहेगी। रायपुर दक्षिण का विधायक भारतीय जनता पार्टी होगा। ठीक है, अब आप जवाब दीजिएगा। अशोक जी ने दो बातें प्रमुख कही है कि कर्मों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और दूसरा संगठन वहां चुनाव लड़ता है, चेहरा नाम मात्र होता है। जरा जवाब दीजिए, आप लोग कैसे वोट मांगेंगे? 9 महीने में कोई कर्म ही दिख रहे हैं भाई? कर्म मुझे तो नहीं दिख रहे कोई अच्छे कर्म किए हो, चाहे बहनों को छलने का काम हो, चाहे इस प्रदेश में लूट हत्या बलात्कार लॉरेंस बिश्नोई अमन साहू जैसी गैंगों का आना, महंगाई बढ़ना, ये स्थिति है अशोक भैया कि टमाटर को हम सेब समझ के खा रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है पूरे देश में। अब तो बात तो प्रदेश की हो रही, तो पूरे देश की भी बात होगी क्योंकि आप ही बैठे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप तालाब में डूबते हैं तो अगर वहां पे कमल पड़ा हुआ है तो आप कमल को पकड़ोगे कि हाथ को पकड़ोगे बचने के लिए? तो अब जनता जो है वो कमल को नहीं पकड़ेगी, डूबती नाव जो है, जो लोग डूब रहे हैं वो कमल को नहीं, हमारे हाथ को पकड़कर बाहर आएंगे। और ये जो है असंतोष फैला हुआ है, कार्यकर्ताओं में मायूसी है, लोग आपके 10 लोग मेरे को मिलते बोलते काम नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान है। आपके कार्यकर्ता थोड़ा सुध लीजिए, वो तो हम लोग गोबर खरीद रहे थे तो आपके वो युवा मोर्चा के और काफी लोगों का गोबर बेच के भी उनकी आजीविका चल रही थी, अभी तो वो भी आप लोगों ने बंद कर दिया है। तो भाई वो स्कीम भी चालू कर दो, हो सकता है रोजगार मिल जाए कुछ लोगों को। बाकी ये कह देना अवैधगढ़ है, कोई नहीं भेज सकता, तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मोदी जी वाराणसी से कितने वोट से जीते थे पिछला चुनाव? अभी क्या स्थिति हुई? आप 1.5 लाख वोट से जीते पिछला चुनाव को, 4.5 लाख वोट से जीते थे और 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते जब मोदी का गिना छूट रहा है नाम, फिर तो ये सामने वाले में बना दो भैया केंद्रीय मंत्री बना दो पार्टी। अशोक जी मारो, मैं जब एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूँ। उचित जी, ठीक है, जनता कमल का फूल पकड़ेगी, हाथ का साथ देगी, क्या करेगी? 23 नवंबर ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी परिणाम आने वाला है। लेकिन जो तमाम जो सियासी रस्साकस्सी है, जो इर्द गिर्द घूम रही है भाजपा के भीतर, कांग्रेस के भीतर, क्या अपने ही चक्रव्यूह की रचना से दोनों ही दल पार पाएंगे? दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी होंगे क्या अपनों को ही साथ पाएंगे? सबसे पहले जो बड़ी चुनौती है, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को संभालना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कार्यकर्ता अभी भी नाराज होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, नो डाउट का संगठन तगड़ा है, लोग सुनते हैं, नियम कायदे कानून है, एक उनकी इंटरनल आचार संहिता चलती है, साथ में उनका एक अनुशासन का डंडा है, ये तमाम चीजें हैं जो भाजपा के साथ जाती है। भाजपा के जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, जो उम्मीदवार थे दावेदार थे उनको नहीं मिली, तो चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। ये एक उनकी एक तरीका है उनका काम करने का। वहीं अगर कांग्रेस में बोले तो जिनको टिकट नहीं मिली वो नाराज नहीं, वो विपक्ष खेमे के सदस्य हो जाते हैं या विपक्ष मोर्चा खोल लेते हैं, लगभग तथाकथित रूप से एक विपक्ष का मोर्चा उनका खुद का है। तो जो उम्मीदवार रहता है वो ये समझता है कि सामने वाले से लड़े कि अपने वालों से लड़े, ये कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए और सभी धड़े जितने धड़े हैं या जितने वार्डों में बटे हुए कांग्रेस है, तो ये चुनाव बहुत मुश्किल होगा। और मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब कि 35 साल में सबसे कठिन चुनाव भाजपा ये देखेगी। अशोक जी, 35 साल में सबसे कठिन चुनाव ये जनता देखेगी या दोनों ही दल देखेगी? आप लोग काफी आगे चल रहे बीजेपी से, कांग्रेस से, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया, प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, मैनेजमेंट आप लोगों ने कर लिया अपना तमाम, लेकिन कांग्रेस जो दावा करे जिस आधार पे कि 35 साल बाद मौका मिला है बिना बृजमोहन अग्रवाल के दक्षिण सीट पे, इस बार वो विजय से भी जरूर हासिल करेंगे, क्या लगता है कि कांग्रेस का दावा धरातल पे कहीं आपको दिखाई पड़ता है या केवल दावा ही रह जाएगा? अशोक जी, मिश्रा जी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस तो अभी तक अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही है। सब लोग घबराए हुए है कि एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आ गया है, कांग्रेस के सामने है भाजपा का, कि ये घबरा रहे, कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात मैं माननीय शर्मा जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि जिनको टिकट नहीं मिलती वो घर बैठ जाते, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सोनी जी का टिकट लोकसभा में काटा गया, काट के बीच में बृजमोहन अग्रवाल जी दिया गया, लेकिन सुनील सोनी जी घर नहीं बैठे,
उन्होंने पूरा परिश्रम किया, आखिरी तक परिश्रम किया, हरिद्वार चले गए, घर नहीं बैठे थे, हरिद्वार चले गए। अशोक जी, दरअसल उचित जी ये कह रहे कि वो अपने आक्रोश को घर पे छोड़ देते हैं, वो ये कह रहे, उन शब्दों को समझिए ना, वो कह रहे कि वो भाजपा में जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो अपने आक्रोश को घर पे छोड़ देते हैं, अब पार्ट काम करते हैं संगठन के लिए, सबसे वो ये कह रहे कि आक्रोश को घर में छोड़ देते हैं। नाराजगी बिल्कुल, एक दिन या दो दिन भारतीय जनता पार्टी में रहती है, अदरवाइज जो चार दिन बाद वो खुद भी काम करने लगते हैं उस उम्मीदवार के लिए। कांग्रेस हमने देखा है, कांग्रेस में उलट है कि अगर कोई आक्रोश है तो आक्रोश व्यक्त हो जाता है चुनाव में, पब्लिक में दिखने लगता है। उचित जी ये कह रहे, आप ये मत कहिए कि ये वो ही कह रहे कि घर घर बैठने नहीं, वैचारिक तौर पे आक्रोश को घर में छोड़ जाते हैं। आप कंप्लीट करिए। आप देखिए, एक बात वास्तविक है, सच्चाई कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिल जाए, है ना। अब इसलिए बहुत से लोगों ने अपने अपनी इच्छाएं व्यक्त की है, तो जरूरी नहीं है कि सबको टिकट मिल जाए, टिकट तो किसी एक को मिलेगी, अब एक को मिले सब लोग उसके लिए काम करेंगे। और भी बहुत सारे अवसर हैं, राजनीति में अवसरों की कोई कमी नहीं रहती है। आपको नहीं मिला, आदमी एक अवसर चूकता है तो कई अवसर आपके लिए तैयार खड़े रहते हैं। ईश्वर करे आप सुनील सोनी जी ने एक अवसर चुकाया तो एक नया अवसर उनके लिए तैयार हुआ। तो कुल मिलाकर राजनीति में अवसरों की कमी नहीं होती है, इसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भली भांति जानता है, और इसीलिए कोई भी चुनाव हो हम उसे चुनौती के रूप में लेते हैं, और इसको भी चुनौती के रूप में ले रहे हैं, और निश्चित रूप से सब संगठित होकर सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर चुनाव लड़ेंगे और दक्षिण की गरिमा को बना के रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी रायपुर दक्षिण से। ठीक है नितिन जी, कुल मिला के ये अशोक जी जो अपनी बातों में कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा एक तेजस्वी चेहरा दे दिया है दक्षिण में जिसके सामने कांग्रेस घबरा गई है। आप लोग नाम नहीं तय कर पा रहे, 1998 में पार्षद, 2000 से 2003 तक सभापति, 4 से 10 तक महापौर, 12 में आरडीए के अध्यक्ष बनते हैं, 14 में जाके प्रदेश के उपाध्यक्ष बनते हैं, 2019 में सांसद बन जाते हैं, 24 में विधानसभा का टिकट। आप बताइए आप कैसे लड़ेंगे। मैं तो अशोक भैया के लिए चिंतित हूँ, अपनपुर से अच्छे प्रत्याशी थे, जीतते तो आज मंत्री होते। भाई देखिए ना कैसे बीजेपी उपेक्षा करती है अपने नेताओं की और कार्यकर्ताओं। अशोक भैया बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात पूरी करनी थी, ये बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, बहुत बड़ी पार्टी है। अशोक भैया कितने सदस्य बनाए बताओ, ये कॉलेज स्कूल अस्पताल और अभी मेरे को लगता है शमशान घाट तक भी पहुंच जाएंगे, ऐसा सदस्य बनाए। भाई आखिर कार्यकर्ता आपके चुनाव लड़ते हैं ना, आप संगठन की बात कर रहे थे, अभी गुजरात में राजकोट में एक अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए 250 लोगों को रात को नींद से उठाकर बीजेपी का सदस्य बना दिया, सबके मोबाइल ले लेके कह रहे थे ओटीपी आया दो, और जिसका ओटीपी नहीं आया था उसमें खुद उनको सदस्य बना दिया। ये बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने से पहले ही बीजेपी का सदस्य बन जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे कार्यकर्ता है इनके पास। तो ये फर्जी मेंबरशिप वाले जो लोग हैं ये भूल जाएं कि ये दक्षिण का किला जो ये बार बार कहते हो ना अभेद किला है, किला तो अभेद ही भेदा जाता है भाई, आसान जीत तो कोई भी जीत सकता। हम खुद मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है आपके शासन प्रशासन तंत्र से है, लड़ेंगे और इस बार आपका किला भेदेंगे, ये तय। ठीक है नितिन जी, बार बार आप अशोक जी को कह रहे हैं कि अशोक जी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस ने आपको भी कुछ नहीं दिया, प्रत्याशी तो आप भी हो सकते थे दक्षिण से, प्रत्याशी तो आप भी हो सकते थे उत्तर से। ठीक है चले, ठीक है मैं लौट रहा हूँ उचित जी के पास एक फाइनल कमेंट के लिए जाता हूँ। उचित जी, कुल मिला के ये है कि रण तो सच चुका है, चेहरे का इंतजार कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या चेहरे पे ही वोट करेगी या और भी कई बातें उनके जहन में होगी। पिछले चुनावी रिकॉर्ड को छोड़ देते हैं राजनीतिक तौर पे, पब्लिक के तौर पे एज ए एक कॉमन मैन आपको क्या लगता है ये चुनाव कैसे होने वाला है? होने वाला है डॉक्टर साहब, ये बहुत मतलब ब्रिजमोहन, मैं पहले भी कहा कि ब्रिजमोहन जी की थी बात अलग है, और अभी जो नए युवा कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट देती है कांग्रेस तो ये टफ होगा सब, प्रोवाइडेड सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती है तो, अगर कांग्रेस वाकई एकजुट हो जाती है तो बड़ी टक्कर का चुनाव आपको और हमको देखने को मिलेगा, इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, किले की बात कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट कि मैं मानता हूं कि अभी भी ब्रिजमोहन जी के 70,000-80,000 के वोट की लीड के हैंगओवर से
दक्षिण अभी उतरा नहीं, उस हैंगओवर में चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका अपर हैंड होगा, मान सकते हैं अपर हैंड पे है। बृजमोहन जी पीछे खड़े सारथी बने हुए हैं सुनील सोनी के, तो जीत के अपर हैंड में है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन वहीं इससे अगर एकजुटता अगर दिख जाती है टीएस बाबा में, आपके नेता प्रतिपक्ष में, वहीं पे आपके पूर्व सीएम अगर एक साथ बैठ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही क्लोज फाइट के रूप में आप और हम सब देख सकते हैं। ठीक है अशोक जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या आप लोगों को जितना आसान ये चुनाव लग रहा है वास्तविक में उतना आसान है, या भीतर गंभीर मंथन चल रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, पार्टी अपनी गति से आगे बढ़ रही है, सारे कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से हो रहे हैं। आज भी मंडलों की बैठक हुई है, कल से हमारे माननीय प्रत्याशी का दौरा शुरू हो रहा है और जनसंपर्क करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची भी बन गई है, सारे स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बनेंगे और निश्चित रूप से एक एक मतदाता तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे और निश्चित रूप से जनता को बताएंगे कि अब जो है इस चुनाव में एक बार फिर से दक्षिण की प्रतिष्ठा को कायम रखना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर, और साथ ही साथ हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े और मोदी की शक्ति को, हिंदू मुसलमान मोदी की शक्ति को और हम आगे। ठीक, समय का अभाव, मैं नितिन जी से फाइनल कमेंट। नितिन जी क्या क्या आप लोग गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, पिछले तमाम हारों को हार से सबक लेते हुए फूक फूक के आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? हर चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे विधानसभा को हो, लोकसभा को, हम गंभीरता से लेते हैं और हम इस चुनाव को कह रहे हैं ना गंभीरता से ले रहे हैं। हम मान रहे हैं कि वो एक अभेद किला है, मान रहे हैं, पर मैंने क्या कहा, फाइट टफ होती तो लड़ने में बड़ा मजा आता है, इस बार ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। और जिस प्रकार बृजमोहन अग्रवाल के कार्यकर्ताओं में मायूसी है, उसका भी लाभ हमें मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं अशोक भैया कि हमारी प्लानिंग में आपके कार्यकर्ता भी हमारे लिए काम करें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि रायपुर दक्षिण का रण और दंगल बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्योंकि बीजेपी 9 माह के सरकार के बाद लिटमस टेस्ट के रूप में आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, क्योंकि 2023 में करारी हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं सबसे बड़ी बात ये कि रायपुर दक्षिण में इस बार का चुनाव पिछले 8 चुनाव के बाद बिना बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे के प्रत्याशी के रूप में होगा। कुल मिला के ये कि जनता जनार्दन किसे अपना मत देगी, किस पर विश्वास जताएगी, 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इस दक्षिण के दंगल में फिलहाल तब तक कई घमासान और कई दांवपेच देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, अशोक जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।